अगले क्रम में एक ऐसे श्रेष्ठ गीतकार को मैं आमंत्रित करता हूं जो कानपुर से हमारे बीच में पधारे हैं। चार पंक्तियां मुझे कुंवर बेचैन साहब की याद आती हैं, वो पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं, अगर पंक्तियां अच्छी लगे तो एक बार जोरदार तालियों का महोत्सव करना और कानपुर से पधारे डॉक्टर विनोद त्रिपाठी जी को आमंत्रित करना। चार पंक्तियां मैं उनके लिए पढ़ता हूं कि मुझे ये क्या हुआ, मैं किस कहानी तक चला आया, मुझे ये क्या हुआ, मैं किस कहानी तक चला आया, मैं पहले प्यार की पहली निशानी तक चला आया। मुझे ये क्या हुआ, मैं किस कहानी तक चला आया, मैं पहले प्यार की पहली निशानी तक चला आया, और कन्हैया बन के मेरी उम्र ने झांका जो बचपन में, मेरा किस्सा यशोदा की मथानी तक चला आया। आपकी जोरदार तालियां डॉक्टर विनोद त्रिपाठी जी माइक पर। आए वतन तेरे लिए इस भव्य समारोह के आयोजकों को और सभी विद्वत जनों को मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। एक गीत आपकी सेवा में स्वागत। चाहे जैसा कंठ मधुर हो वाह, और चाहे जैसा कोमल स्वर हो, प्रिय स्वदेश के बिन गुण गाए वाणी सफल नहीं होती है। चाहे जैसा कंठ मधुर हो, चाहे जैसा कोमल स्वर हो, प्रिय स्वदेश के बिन गुण गाए वाणी सफल नहीं होती है। क्या कहने बाबा। कवि चाहे तो चांद सितारों के भी साथ बिहर सकता है, उसके केवल दो चरणों में पूरा स्वर्ग उतर जाए। पर चाहे अमृत बरसाए या स्नेह कलश छलकाए, बिना जगाए शौर्य देश का कवि कृति अमर नहीं होती है। चाहे जैसा कंठ मधुर हो, चाहे जैसा कोमल स्वर, आता है अनुपम बसंत भी पाने को ही प्यार किसी का, उपवन कली कली खिल जाती बनने को गलहार किसी का, चाहे फूल चढ़े मंदिर में या कि गुथे नारी केशों में, बिना भरे सौरभ कण कण में बगिया धवल नहीं होती है। चाहे जैसा कंठ मधुर हो, चाहे जैसा कोमल स्वर हो। अंतिम मंदे स्वागत है बाबा। कि ज्ञात किसे है नहीं कि कितना दुर्लभ ये मानुष तन पाना, ज्ञात किसे है नहीं कि कितना दुर्लभ ये मानुष तन पाना, मैं कहता इससे भी दुर्लभ मानुष जीवन सरस बनाना। भले दूध में रोज नहाओ, भले दूध में रोज नहाओ या गंगा जल ही छिड़काओ, समसरिता में बिना नहाए काया अमर नहीं होती है। चाहे जैसा कंठ मधुर हो, चाहे जैसा कोमल स्वर हो, प्रिय स्वदेश के बिन गुण गाए वाणी सफल नहीं होती है, कवि कृति अमर नहीं होती है। बहुत बहुत